नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान रंजन और आप देख रहे हैं बीटेक वाले यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेब पे पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेब पे होता क्या है। जेब पे एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर है जिससे कि आप घर बैठे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो आपको जेब पे में अकाउंट बनाने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और जेब पे साइन अप वाले लिंक पे क्लिक करके साइन अप कर लेना है। कैसे आपको करना है मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको एक बार फिर बोल देता हूं, मेरे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साइन अप लिंक पे जाकर क्रिएट करोगे तो आपको ट्रेडिंग के टाइम ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट मिलेगा। मैंने अपना सोशल मीडिया लिंक लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी इंक्वायरी होता है तो मैं वहीं पर सॉल्व करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद जेब पे साइन अप लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने जेब पे का स्क्रीन खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको ओपन एंड प्ले स्टोर ऐप पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसे तीन बार स्लाइड करना होगा। स्लाइड करने के बाद डन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में ट्रिपल लाइन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ लेट्स गो के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ अपना नंबर डालना होगा। डालने के बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड डी पे आपको टिक करना होगा। उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने के बाद प्रोसीड सिक्योरली बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे फिल करना होगा। तो देखिए मैं फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद नीचे वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको पिन डालना होगा, तो मैं अपना पिन डाल देता हूँ। डालने के बाद सेटअप फिंगरप्रिंट पे आपको ओके करना होगा। उसके बाद अपने फिंगर यहाँ से हटा दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको लेफ्ट साइड में ट्रिपल लाइन पे आपको जाना होगा। जाने के बाद वेरीफाई आइडेंटिफाई केवाईसी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वेरीफाई ईमेल बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। फिर यहाँ से इसे सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद आपको गूगल पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना गूगल अकाउंट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर वेरीफाई आइडेंटिफाई केवाईसी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है आपको, पहला नेशनलिटी दूसरा रेसिडेंसी। तो आपको नेशनलिटी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ कंट्री सिलेक्ट करना होगा, तो मैं कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद रेसिडेंसी आपको सिलेक्ट करना होगा, तो मैं उस पर भी क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा, तो मैं इंडिया सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद इंडिया मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस बटन पे आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, पहला आईडी डॉक्यूमेंट्स, दूसरा एड्रेस प्रूफ, तीसरा डिक्लेरेशन। तो पहले आपको आईडी डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना होगा, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ आपको एड्रेस प्रूफ आपको सिलेक्ट करना होगा, इसमें भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो आपको आधार कार्ड पे आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो अपलोड करना होगा, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद आपको डिक्लेरेशन आपको सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट नंबर सिलेक्ट सोर्स ऑफ फंड पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें आप क्या करते हैं इसमें आप सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना होगा, इसमें भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने अपलोड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, वहां पे आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद यहाँ आपको बैंक का डिटेल फिल करना होगा। यहाँ पे आपको फिल करना होगा योर फिल नेम एज पर रिकॉर्ड नेम, यानी कि आपका बैंक अकाउंट में जो नेम है यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में आपको बैंक का फुल नेम डालना होगा।
उसके बाद तीसरा नंबर पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद चौथा नंबर पे आपको कन्फर्म कर देना होगा अकाउंट नंबर। उसके बाद पांचवा नंबर पे आता है आईएफएससी कोड डालने के लिए, यहाँ भी आपको आईएफएससी कोड डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, चाहे आप अपना चेक अपलोड कर सकते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट का कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव बैंक डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ सारे डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। सारे डिटेल फिल करने के बाद सेव बैंक डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर योर पेटीएम्स, बैंक डिटेल आर अपलोड सक्सेसफुली, वी विल अपडेट यू वंस इट वेरीफाइड। यहाँ पे आपको ओके पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो देखिए आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाया कि जेपी पे अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं और KYC कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।